नमस्कार, मैं अपर्णा, कर्नाला केबल नेटवर्क में आप सभी का स्वागत। शुरुआत में नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और हरियाणा में बुधवार को पहली पारी में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव। उरणपन में निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल एवं बालराम पाटिल ने वोट डालकर जताया अपना अधिकार। और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होने के लिए पुलिस द्वारा किया गया पुख्ता बंदोबस्त। महाराष्ट्र और हरियाणा में बुधवार को पहले पारी में शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं ने अपना अधिकार जताया। महाराष्ट्र और हरियाणा में बुधवार को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 4119 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीबन 8,25,00,000 वोटर करेंगे। तो वही हरियाणा में 90 सीटों के लिए कुल 1,351 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। उनका भवितव्य 1,63,00,000 मतदाताओं के हाथ में है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान संपन्न हुआ, तो हरियाणा में भारी संख्या में मतदाताओं ने वोट डालकर अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव पहली पारी में ही संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो इसलिए पोलिंग बूथ पर पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त भी किया गया था। उरण निर्वाचन क्षेत्र के शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल ने मतदान केंद्र पर जाकर अपना हक अदा किया और विश्वास जताया कि शेतकरी कामगार पक्ष ही विजयी होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। इस चुनाव में मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना अमूल्य वोट देकर देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। उरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्षी विधायक विवेक पाटिल ने भी मतदान किया। मतदान के बाद विधायक विवेक पाटिल ने यह विश्वास जताया है कि शेकापक्ष की जीत निश्चित होगी। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए कर्नाला केबल नेटवर्क। वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्चुनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टीस, इटियोस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यू ट्रस्ट। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, परसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143662999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा।
संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर आणि दादरची सुप्रसिद्ध सुवर्णकार पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आता पनवेलमध्ये सोने चांदी हिरे मोती व अन्य दागिन्यांकरता पनवेलकरांसाठी सुरू झालंय एक अद्यायवत व प्रशस्त दालन. दागिने सोन्याचे असो किंवा चांदीचे, हिऱ्यांचे अथवा प्लॅटिनमचे, दागिन्यांसाठी हवी चोख शुद्धता. दागिन्यांच्या हव्या नवनवीन डिझाईन्स, दागिन्यांची हवी भरपूर व्हरायटी व दागिने खरेदीसाठी हवे एक विश्वासपात्र नाव अर्थात पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स. इथे आपल्याला मिळतील फक्त 916 आणि 9580 BIS हॉलमार्कच्या सर्टिफाईड दागिन्यांची असंख्य डिझाईन्स. मंगळसूत्र, पाटल्या, राणीहार, शिंदेशाही तोडे, हिऱ्यांचे दागिने, चेन, ब्रेसलेट, चांदीची भांडी व पूजेची उपकरणे, हॉलमार्क दागिन्यांची भरपूर मोठी रेंज इथे उपलब्ध आहे. सोन्याची शुद्धता, परंपरा व नाविन्यता जपणारी पनवेल मधील एक विश्वासपात्र सुवर्ण पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आणि संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर. शॉप नंबर 1, कर्नाला रॉयल, नियर MTNL, पनवेल. फोन 0222745441. देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुंचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम, सुषमा कितना प्यारा ड्रेस है, कहां से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया. अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहां से ली, मुझे क्यों नहीं बताया. हाँ हाँ, सब कुछ बताती हूँ. नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी. ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर. एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 बार 10 बार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल. पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बालराम पाटिल ने अपने परिवार सहित पोलिंग बूथ पर जाकर अपना अमूल्य वोट डाला. देखते हैं खबर विस्तार से. पनवेल विधानसभा मतदार संघाचे उमेदवार बाळाराम पाटील यांनी आपल्या कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी बाळाराम पाटील यांच्या पत्नी राजश्री पाटील, मुलगी तसेच रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हो तथा कोई भी प्रकार की अनहोनी घटना न घटे, इसलिए पुलिस द्वारा पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था। एक नजर खबर पर। महाराष्ट्र में इस बार 5 नहीं बल्कि 6 पार्टियां अपना नसीब आजमा रही है। बुधवार को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर उपस्थिति दर्शाई। इस दौरान पनवेल में भी मतदाताओं ने अपना मतदान का हक अदा किया। इस दौरान पूर्व नगराध्यक्ष जय महात्रे ने भी मतदान किया। इस दौरान हमारी टीम ने विभिन्न पोलिंग बूथ पर जाकर परिस्थितियों का जायजा लिया। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। हॉलमार्कच्या दागिन्यांचे पनवेल मधील एक प्रशस्त शोरूम पटेल ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लॅटिनम, पटेल ज्वेलर्स, जोशियाळी, पनवेल। दीपक साडीज, गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले, साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेले नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपयेपर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट्स। सहावारी, पैठणी, कांजीवरम, दहावार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्योर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी,
मोतीवर्क साड़ी, फैंसी देवयानी साड़ी, फुलनेट डिजाइनर साड़ी आणि कैटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साड़ी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, थ्री पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फैंसी डिझाइनर घागरे आणि लहंगे। माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडी। मागणी तुमची, पुरवठा आमचा, दीपक साडी गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज। आमचा पत्ता दीपक साडीज 761 कापड बाजार टिळक रोड पनवेल। आमचा संपर्क नंबर आहे 022-2745-2433। दीपक साडीज। पति की लंबी आयु के लिए पत्नी करवा चौथ का व्रत करती है। ये व्रत हिंदू त्योहार में से एक पावन पर्व है। चांद को जल चढ़ाकर पत्नी अपना व्रत तोड़ती है। ऐसे पावन पर्व का आयोजन शनिवार को करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया था। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का पर्व है। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाएं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ करती हैं। महिलाएं करवा चौथ ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। करवा चौथ का ये पावन पर्व पनवेल में भी बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की महिला आघाड़ी अध्यक्ष प्रज्योति म्हात्रे, तालुका अध्यक्ष प्रिया वाघमारे, उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष बरकत खान, उत्तर भारतीय सेल के महासचिव विजय गुप्ता, नवीन पनवेल दक्षिण विभाग की उपाध्यक्ष नीलम सिंह, बबीता सिंह आदि गणमान्यों के प्रयासों से करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में करवा चौथ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आज के खास खबरों पर महाराष्ट्र और हरियाणा में बुधवार को पहली पारी में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव। उरणपन में निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल एवं बालराम पाटिल ने वोट डालकर जताया अपना अधिकार। और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होने के लिए पुलिस द्वारा किया गया पुख्ता बंदोबस्त। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए करनाला केबल नेटवर्क।